आज से संकल्प करते हैं ऐसे ही बात करेंगे, ऐसे ही चीज को देखेंगे, ऐसे चीज को बोलेंगे, ऐसे चीज को स्वीकार करेंगे। और प्रतिकूलस्य विवर्जनम, भक्ति का जो प्रतिकूल वस्तु है उसको हम संपूर्ण रूप में त्याग देंगे, संपूर्ण रूप में उसको त्याग देंगे हैं। इसलिए इसका जीवन में कैसे आचरण करेंगे, यहाँ तो बोल दिया भक्ति के अनुकूल स्वीकार करो, भक्ति का प्रतिकूल वर्जन करो। अभी भक्ति का क्या क्या प्रतिकूल है, भक्ति का अनुकूल किया है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने हिरण्य कीर्तन लिखे, इन्होंने पूरा कीर्तन लिखे यहाँ पर सबके सब है, बड़े सुंदर रूप में यहाँ पर कीर्तन लिखते हैं। अनुकूल त्वा भक्ति अनुकूल जे जे कार्य है परम जतन था त्वरिव निश्चय, बोले प्रभु तुम्हारी भक्ति का जो अनुकूल चीज इसको ही परम जतन में ग्रहण करेंगे। भक्ति अनुकूल जो तो विषय संसार करीब तहत रति इंद्रिय द्वारे, जो कुछ भक्ति की अनुकूल है वही वस्तु ही इंद्रियों के द्वारा भी करेंगे। सुनी वो तुम्हारा कथा जतन करिया, देखी वो तुम्हारा धाम नयन भरिया है। इसलिए तुम्हारा कथा ही यत्न करके सुनेंगे, देखी वो तुम्हारे नयन भर करके तुम्हारे धाम को दर्शन करेंगे। ऐसे नहीं हमें कहते ना मोबाइल को दे दो, कारण क्या है, मोबाइल में जितने उल्टा पुल्टा गंदी गंदी चीज इसमें आती है। इसलिए कहते भैया क्या चीज देखेंगे क्या सुनेंगे, वही तो चीज देखेंगे जिसमें केवल तुम्हारी लीला कथा हो। सुने वो किस चीज की सुनेंगे, तुम्हारी जो भक्ति की अनुकूल चीज हो। हाँ इसलिए ये सब चीज है ना भक्ति की, सबके सब प्रतिकूल वस्तु है, ये सबके सब भक्ति की प्रतिकूल, जिसमें प्रतिकूल है वो चीज को हमें हृदय से, हम तो बड़े हो गए अभी तो हमको कोई जोर जबरदस्ती कर ही नहीं सकता है, हैं? इसलिए हमको जान बुझ करके जब देखेंगे नहीं ये हमारी भक्ति की प्रतिकूल, उसको हृदय से ही हमें त्याग देनी चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा हो उसको मार करके उसको पीट करके कोई बोलते हैं, लेकिन अभी तो हम सबके सब स्वतंत्र है, अभी भजन करना स्वतंत्र है, खुद को विचार करना पड़ेगा हमारी भक्ति का अनुकूल किया है और भक्ति का प्रतिकूल किया है। इसको खुद को ये चीज खुद स्वयं अगर हृदय से त्याग नहीं देंगे ना फिर तो ये चीज हमारी हो नहीं पाएगी। इसलिए हृदय से सब चीज को हमें त्याग दे करके, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर, इसलिए भक्ति प्रतिकूल वस्तु अनुकूल क्या है, बोले शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। इसलिए उन्होंने एक एक चीज को उन्होंने यहाँ पर अच्छे तरह से दिया, भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे, बोले तुम्हें तो मारी बेचारे के तारे राखी ते बारी तब इच्छा बसत त्रिभुवन, प्रभु तुम जिसको मारोगे कौन उसको है, कौन उसको रक्षा कर सकता है, तुम जिसको रक्षा कर उसको कौन मार सकता है, अब से रखी हुए कृष्ण विश्वास पालन। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते एखन बुझनी प्रभु तुम्हारे चरण अशोक अभय अमृत पूर्ण सब कर, इसमें भगवान कैसे रक्षा करेंगे, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गुप्त वर्णन था है और आत्म निवेदन कैसे हम अपना जीवन में आचरण करेंगे, क्या उन्होंने अद्भुत कीर्तन लिखे। और ये भक्ति जो सड़ंग शरणागत क्या है, जैसे हम एक बिल्डिंग बनाएंगे अगर नीम अगर अच्छा नहीं हो फिर तो पेड़ क्या घर धस जाएगी, इसलिए उसका नीम अच्छी होनी चाहिए। इसलिए शरणागति ये भक्ति जगत का ये नीम है, ताहर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, ये छह शरणागति जिसको हो जाएगा भगवान उसकी ही बात सुनते। अद्भुत रूप में भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ पर लिखे शरणागति का क्या क्या लक्षण है, इसको यही कीर्तन अक्सर करके हम लोगों को करनी चाहिए। फिर उनको कहते रूपानु, भक्ति विनोद ठाकुर कौन है, कहते श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में ये हमारे रूपानु गए, अभी रूपानु को कहते किसको, इसलिए उनका जो भजन है रूपानु को किसको कहते, भजन किसको कहते हैं, इन्होंने यहाँ पर राधा रानी की जो निष्ठा, जो तीन तरह का सखियां स्वतः स्वपक्ष तटस्थ और विपक्ष, जो केवल राधा जी की पक्ष में रहते हैं, राधा जी की सुख में सुखी, राधा जी का दुख में जो दुखी है, इसलिए बोले वृषभानु सुता चरण सेवन है जे पाल्य दासी श्री राधार सुख सतत साधन है आमी प्रयास। इसलिए राधा को कहते हैं किसको, जो केवल श्री राधा रानी के सुख में सुखी दुख में दुखी, और जो केवल राधा जी की चरण को ही जिसने जीवन का सर्वस्व बनाया, कदर श्री राधा सुखे कृष्ण रे जे सुख जानी वो मने तमी, राधा रानी के सुख से कृष्ण अपने आप खुश हो जाते हैं, राधा पद छाड़ी से कृष्ण संग में कभु ना है प्रयास। अगर कृष्ण अगर हमें बुलाते हैं नहीं जाएंगे, बोले नहीं
हम तो सिर्फ किशोर जी के अनुगत में रह करके हम सेवा करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए और उन्होंने बताया श्री कृष्ण विरहे राधिकार दशा आमित सहित नारी। ये पूरा जो रूपानुग कहते हैं जिसको भक्तिमय ठाकुर यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से कहते हैं, कहते श्री कृष्ण विरह राधिकार दशा, जब श्री राधा रानी कृष्ण विरह में दुखी होते हैं, कभी ये चीज को हम कभी सहन नहीं कर सकते हैं। जुगल मिलन सुखर कारण जीवन छाड़ते पर, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन, कब हम श्री जुगल सरकार को कब मिलन कराएंगे, कभी ये मंजरी है कभी भी कृष्ण को साथ में स्वतंत्र रूप में कभी भी मिलना नहीं चाहते। इसलिए राधा भजने जदी रति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकरणे भेला। इसलिए राधा भजन यदि मति नाही भेला कृष्ण भजन तब अकरण, अगर राधा रानी की भजन में अगर मति नहीं हुआ कृष्ण भजन तुम्हारे बेकार। इसलिए रूपानुग कहते हैं कि इसको भक्त विनोद ठाकुर अद्भुत रूप में श्री राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनो अनास भाव गिरधारी। अगर कृष्ण को पाना चाहते हो क्या करो, बोले राधा रानी चरण को क्या करो अपना शरीर में भूषण करो, तो अपनी आप श्याम सुंदर तुम्हें मिल जाएंगे अद्भुत रूप में श्री भक्त विनोद ठाकुर कीर्तन को माध्यम से। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे हम लोग वेद वेदांत उपनिषद पढ़ करके जो चीज को ढूंढ नहीं पाएंगे, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने वह सब चीज को सरल सरल से सरल रूप में उन्होंने कीर्तन के माध्यम में प्रकाशित किया। मेरे गुरुदेव कहते थे कहते भक्ति विनोद ठाकुर का पूरा कीर्तन नहीं, एक ही कीर्तन, बोले एक कीर्तन नहीं, यदि कीर्तन का गुरु जी कहते थे एक लाइन अगर हम अपना जीवन में उतार देंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये भक्ति विनोद ठाकुर का कीर्तन में ऐसे ऐसे उन्होंने कीर्तन का माध्यम में ऐसे ऐसे तत्व को प्रकाशित किया है, हैं? इसलिए रोज इसलिए अक्सर करके हम जो कीर्तन गाते हैं कल्याण कल्पतरु से और शरणागति से कीर्तन गाते हैं, अक्सर करके यही कीर्तन प्रभुपाद ने हमारे गौड़ीय वैष्णव को यही धराया। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर का जो देन है अद्भुत देन है, हैं? इनकी ही कृपा है, हम भक्ति विनोद का धारा में ही हम लोग अभिषिक्त है। इसलिए इनकी तो बहुत बहुत कथा है, समय समय के अनुरूप हम लोग सुनते रहेंगे। इसलिए आज श्री भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव तिथि है, ये हम सबको ऊपर में कृपा करे। इन्होंने जो प्रभुपाद को देख करके ये गौड़ीय मठ बनाया है, इसलिए जैसे हम सारा जीवन किसी तरह से एक जीवन, देखो मेरे गुरु जी कहते थे देखो हम लोग सब के सब साधक है, साधन भजन में कहते ना भक्ति मार्ग यह कोटि घंट गुरु था। हम लोग सोचते हैं नहीं मठ में आनंद में खा पी करके जीवन बिता, नहीं कहते भक्ति मार्ग को ठीक माया की बड़ी प्रकोप है, माया की बड़ी प्रकोप है, बड़े बड़े व्यक्तियों को ये माया पछाड़ देती। लेकिन मेरे गुरुदेव कहते थे देखो किसी तरह से एक जीवन ब्रह्मचारी जीवन में मठवास जीवन में बिताओ, ये गुरुदेव की बारम्बार यही गुरुदेव मेरे बताए किसी तरह से एक जीवन, बोले क्यों यहाँ पर संस्कार तुम्हारे बन जाएगी। देखो जैसे सवेर उठते हैं मंगलारती में उठते ही ठाकुर का मंगलारती दर्शन करते हैं, 3:30 बजे उठ करके नहा धो करके चिंतन किया ठाकुर का मंगलारती में जाएंगे, हैं? उसके बाद में मंदिर परिक्रमा करते हैं, फिर उसके बाद में हरिनाम करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, कीर्तन करते करते 9:30 बजे तक देखना पूरा 3-4 बजे से लेकर के 9:30 तक उसमें पोखरा में लगे रहते हैं। उसके बाद में तुम लोग कोई श्लोक याद करते हो ठाकुर को सेवा करते हो सारा दिन कृष्ण 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 चिंता। मेरे जो जो गुरुदेव कहते थे ये जो तुम्हारे अंदर में के संस्कार रेखापात बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी संस्कार बढ़ रहे तुम्हारे अंदर, बहुत बड़ी संस्कार बढ़ रहे। अगर एक जीवन किसी तरह से मठ में बिता दिया तो गुरु जी कहते थे तुम्हारी एक बहुत बड़ी संस्कार बन गया। अरे जो भक्ति अगली जीवन में कभी घट करके नहीं, ये भक्ति बढ़ करके प्रकट होगा, भक्ति बढ़ करके प्रकट होगी, घट करके नहीं बढ़ करके प्रकट होगी। इसलिए गुरुदेव कहते मिली जुल करके क्या करो, एक जीवन किसी तरह से बिता दो, ऐसे भक्ति करते हुए बिता दो तो तुम्हारी संस्कार दृढ़ बन जाएगी, फिर अगली जीवन बढ़कर होगा। फिर अगर मंदिर में आकर के फिर अगर घर गृहस्थी संसार में चले गए, गया फिर तो गई भक्ति, भक्ति गई तुम्हारी, हैं? संसार में भक्ति करना बड़ा कठिन है, यहाँ पर ही माया के इतने प्रकोप है, मंदिर में सारा दिन गुरु वैष्णव संगत में रहते हुए भी मन कहाँ कहाँ भटकती है। अगर फिर संसार में गया पूरा के पूरा
भक्ति गई। इसलिए देखो और एक चीज, हमें आदर्श रूप में गिरोही व्यक्तियों को हमें आदर्श में नहीं लेनी चाहिए। जैसे भक्ति में कोई आया, आकर कुछ दिन बाद में घर गृहस्थ बन गया, उसको हमें नहीं लेनी चाहिए। किसको लेनी चाहिए आदर्श रूप में? जैसे कि बच्चा स्कूल में पढ़ता है, किसको आदर्श रूप में लेता है? उसमें जो फर्स्ट क्लास में आया है, इसको गोल्ड मेडलिस्ट मिला है ना, उसको वो आदर्श रूप में देखता है। गिरे हुए व्यक्ति को अगर देखेगा ना, वो पढ़ेगा नहीं, अरे उसने आया था मंदिर में, इतना दिन रहा, चला गया, फिर हमारा क्या होगा? पर गया तो वो गया, फिर तुम ही गया तो वो हमारी आदर्श नहीं है। अगर स्कूल में जो फेल हो जाता है ना, अगर उसको अगर स्टूडेंट देखे वो फेल हो गया, वो फिर वो स्टूडेंट पढ़ सकता है? कभी कभी नहीं पढ़ सकता है। पर मैं भी फेल हो जाऊंगा, उतने पढ़ कर फेल। लेकिन वो किसको देखता है उसमें? जिसको गोल्ड मेडलिस्ट, जिसको फर्स्ट डिवीजन में जो पास किया ना, उसको देखता है। एक दिन हमें ये फर्स्ट डिवीजन में पास करना है, फिर तो वो पढ़ने का लायक होता है। गिरे हुए व्यक्ति को देखो, कभी भजन तुम कर जिंदगी में कभी कर ही नहीं सकते हो। इसलिए हमें किसको देखनी चाहिए? गिरे हुए व्यक्ति को देखना चाहिए। हमें देखनी चाहिए आगे जो हमारे जो गुरु वर्ग जो भजन किया है, प्रभुपाद ने, भक्ति मनोहर ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, इन लोगों ने जो भक्ति किया हमें, उसको आदर्श रूप में देखो। गिरे हुए व्यक्ति तर्क में देखना नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, भैया अपना बराबर व्यक्ति को कम से कम जो संग करो, तुमसे नीचे गिरे हुए व्यक्ति का संग मत किया करो। क्योंकि जो भक्ति जगत में संग ही मेन है। क्या मेन है? संग मेन है। गिरे हुए व्यक्ति को मत नहीं, कम से कम प्रभुपाद कहते हैं, कम से कम जो तुम्हारी बराबर हो, नहीं तो तुमसे जो उठे हुए व्यक्ति हो उसको संग करो। गिरे हुए व्यक्ति को मत देखा करो, फिर तो तुम धीरे धीरे तुम भी गिरना, तुम्हारे भी गिरना शुरू हो जाएगा। तभी तो फिर साधन कर सकते हो। गिरे हुए व्यक्ति को नहीं देखनी चाहिए, उसका संग भी नहीं करनी चाहिए हमें। क्यों? उनका संग करने से जो भक्ति है, क्योंकि ऑलरेडी हमें गिरे हुए व्यक्ति, ऑलरेडी हमें गिरे हुए, अगर ऐसे संगत व्यक्ति करेंगे ना, ऐसे व्यक्ति को साथ में अगर बात करेंगे, अरे हम इतने व्यक्ति था, उसको ये हो गया, उसको वो सही चीज को देखेंगे नहीं। जो आदर्श व्यक्ति को नहीं देखेंगे, वो कौन सा बात करेगा? वो गिरा हुआ व्यक्ति को बात करेगा, क्योंकि उसका मन खुद गिर गया, उसका मन ही गिर गया। वो किसका बात करेगा? वो ऊपर व्यक्ति साधु का बात नहीं करेगा जो सक्सेसफुल है, वो बात किसका करेगा? गिरे हुए व्यक्ति का बात करेगा। उसका संग करने से हम भी धीरे धीरे डाउन होना हमारी भी शुरू हो जाएगा। इसलिए किसको देखनी चाहिए हमें? जो पास हुए व्यक्ति को, फेल हुए व्यक्ति को हमें नहीं देखनी चाहिए, तब तो हम साधन कर सकते हैं। बोले श्री भक्ति विनोद ठाकुर की, बोले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल की।